गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ये जो एक तरीके से जो वीडियोस बन रहे हैं, ये स्पेशली चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज की तरफ से वन डे एग्जाम जो रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाए जा रहे हैं। और आपको ये बता दें, जो हमारी सबसे योग्य टीम है वो आपके लिए नित नए प्रयास कर रही है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज दे। इस संदर्भ में आज जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हुए हैं, वो स्पेशली हमने जो दुनिया में सबसे पहली चीजें हुई हैं, जो बहुत ज्यादा वन डे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे पहले जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंचिंग साहब थे, ये भारत के थे, और सर एडमंड हेलरी हेनरी न्यूजीलैंड के थे। तो आप उसको प्लीज नोट कर लीजिए कि विश्व में सबसे प्रथम माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंचिंग भारत के, और सर एडमंड हेनरी कहां के थे, ये न्यूजीलैंड के थे। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला, ये बहुत बार आया हुआ है, ये कौन थी, ये थी श्रीमती जुनको तबाई, ये कहां की थी, जापान की थी। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए कागज और कलम अपने साथ रखिए, ये ऐसी चीजें हैं आपको जल्दी कहीं मिलेंगी नहीं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला श्रीमती जुनको तबाई जापान की थी, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, यानी सबसे पहली एक तरह से यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भारत के नाम की थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कब के 800 बिफोर क्राइस्ट में इसका शुभारंभ किया गया था, तब से इतनी पुरानी है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन, यानी कागज का भी जो आविष्कार हुआ था वो कहां से हुआ था, चीन से हुआ था, आप इसको नोट कर लीजिए। और किताब छापने वाला भी पहला देश था चीन। इसके बाद कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश भी चीन था, यानी एक तरीके से चीन ने दोनों तरफ से जो कागज से निर्मित चीजें हो रही हैं उसमें चीन ने बाजी मारी है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर भारत में सबसे कठिन जो एक तरह से परीक्षा मानी जाती है वो सिविल सर्विस या IAS मानी जाती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन आपको क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि दुनिया में सबसे पहली बार सिविल सेवा आरंभ करने वाले देश का नाम भी कौन सा था, चीन था। तो अब इतना याद रखिएगा, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला देश चीन था। इसके बाद संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। और संविधान की बात करें, जैसे हम भारतीय संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को यह देश में लागू हुआ था, और इसको पूरा बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यह आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर रिपीट कर दे रहा हूं, संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्राश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राश है, इसको आप लिख लीजिए। भारत पर हमला करने वाला प्रथम यूरोपीय, ये भी कई बार पूछा गया है रेलवे में, भारत पर हमला करने वाला प्रथम यूरोपीय अलेक्जेंडर, या जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिकंदर के नाम से जानते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद सबसे अधिक पशुओं वाला देश अगर आता है अभी के अनुसार, सबसे अधिक पशु कहां पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं भारत में, हमारा भारत में। इसके बाद हवाई जहाज उड़ाने वाला प्रथम व्यक्ति, ये भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, हवाई जहाज उड़ाने वाला प्रथम व्यक्ति राइट ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स उन्होंने बनाया था, सबसे पहले उड़ाया था। चांद पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, बहुत लोग एक तरीके से चांद पे गए हैं, लेकिन प्रथम देश कौन सा था, अमेरिका। आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी करने वाला प्रथम देश ग्रीस, फिर से बोल रहा हूं, जो ओलंपिक्स होते हैं उसकी सबसे पहली मेजबानी करने वाला प्रथम देश था ग्रीस, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ई एल्ड्रिन थे, फिर दोहरा रहा हूं, ये कई बार आया हुआ है, चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ई एल्ड्रिन थे, आप इसको नोट कर लीजिए। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी, मुस्लिम, फिर वो दोहरा रहा हूं,
किसी देश की प्रथम महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, याद कर लीजिए इसको, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी देखिए वो तो मुस्लिम थी, लेकिन किसी देश की प्रथम महिला, एक तरह से दुनिया में देखा जाए प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहां की थी? श्रीमती एस भंडार नाइके। कहां की थी स्टूडेंट? श्रीलंका की थी। फिर दोहरा रहा हूं, किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती एस भंडार नाइके, श्रीलंका। दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, यानी अंतरिक्ष में कौन गया था महिला, वो भी रूस की थी, बेलटिंगा तेरेकोशवा। बेलटिंगा तेरेकोशवा ये रूस की थी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप करिए, अगर देखा जाए दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बेलटिंगा तेरेकोशवा रूस की थी। इसको नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। हमें गर्व होना चाहिए कि एक तरीके से वो कौन थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसको नोट कर लीजिए, विजय लक्ष्मी पंडित जी, भारतीय थी ये। इसको नोट कर लीजिए, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गैगरीन था। कहां का था? रूस का था। इसको नोट कर लीजिए, विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया, ऐच्छिक का यानी अपनी इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है, वो देश कौन सा है? वो नीदरलैंड है, जो कहां पड़ता है? हॉलैंड में है। इतना याद रखिएगा, विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का एक तरह से अधिकार प्राप्त है अपनी इच्छा मृत्यु का, वो है नीदरलैंड। कहां? हॉलैंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अब क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा अगर एशिया है तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यह भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा यानी सबसे गहराई किस महासागर की है, उसकी भी कौन सा है? वो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा एक तरीके से नगर, नगर का मतलब होता है आपका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कौन सा है? लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है स्टूडेंट्स? रूस। इसको भी नोट करिए। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से वेटिकन सिटी। ये भी कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी सीमा है जिस देश की दुनिया में, उसका नाम है कनाडा। उसके बाद सबसे छोटी सीमा, जब सबसे बड़ी सीमा आप जान गए तो सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। इसको भी नोट कर लीजिए। सबसे अधिक सीमाओं वाला देश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सबसे अधिक सीमाओं वाला देश अगर जो है वो है चीन। इसमें कितनी देश की सीमाएं मिल रही हैं इस देश से? वो है 13। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 देश की सीमाएं किससे मिल रही हैं? चीन के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा द्वीप अगर देखा जाए, ग्रीनलैंड द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा किस चीज को कहते हैं? डेल्टा एक तरीके से जो एक नदी रहती है, नदी का अगर आप देखें वो भाग जो इस एक तरह से मिट्टी से एक तरह से नीचे उतरने लगता है, नदी उतर जाती है तो जो एक तरह से मिट्टी वाला भाग होता है वो डेल्टा कहलाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत का है, भारत के नाम है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कहाँ पे है? मिस्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और कई बार बहुत बार पूछा भी गया है ये। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा पक्षी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑस्ट्रिच है। ये कहां पे? इसको शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है, ऑस्ट्रिच को, सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे विशालकाय पशु ब्लू वेल। सबसे विशालकाय पशु में ब्लू वेल है, ये याद रखिएगा। सबसे लंबा वृक्ष दुनिया का सिकोया का वृक्ष है, ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, सिकोया का वृक्ष। सबसे बड़ा कार्यकारी इमारत, सबसे बड़ी अगर देखा जाए दुनिया की कार्यकारी इमारत यानी सबसे बड़ा ऑफिशियल बॉडी किस देश की है कार्यकारी? पेंटागन। पेंटागन एक तरह से कहां का है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। सबसे बड़ा पार्क वुड बेफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। फिर बोल रहा हूं,
सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिनराम, ये कहां है? मेघालय में है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान पहले चेरापूंजी था, अब वो बदल के मासिनराम है, ये कहां है? मेघालय भारत में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां का है? ये है आपका खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा है रियाद सऊदी अरब में। सबसे बड़ा संग्रहालय, पुस्तकों का संग्रहालय कहां पे है? वो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में है। सबसे ऊंचा नगर बेंचुआन है, कहां पे है? तिब्बत में। फिर दोहरा रहा हूं, सबसे ऊंचा नगर बेंचुआन में है, तिब्बत में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में है, यह भी नोट कर लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां का है? गोबी मंगोलिया में है। सबसे बड़ा गिरजाघर दुनिया का कहां पे है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स वेटिकन है, ये कहां पे है? इटली में है। इसके बाद सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार होव स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार होव स्टेडियम है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, ये कहां है? तिब्बत में। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कैटोपैक्सी इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में है। फिर बोल रहा हूं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कैटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ कहां पे है? हवाई द्वीप में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये तो पता ही होना चाहिए, पहले था खड़गपुर लेकिन अभी रिसेंटली क्या हो गया है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा दुनिया का सबसे लंबा उसमें प्लेटफॉर्म है, इससे पहले खड़गपुर जो आईआईटी के लिए फेमस है वो सबसे बड़ा एक तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज एक तरीके से विश्व की जो सबसे एक तरीके से बड़ी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये हमने जाना। वन डे एग्जाम्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप प्लीज एक तरीके से इन जो आपको बताए गए हैं पॉइंट्स को नोट करिए, और हम आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट का नंबर भी बता रहे हैं 9305077569। प्लीज इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे मैसेज करिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी वन डे एग्जाम के तहत। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।